नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर असरदार का। न्यूज 18 की खबर पर लगी है मोहर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। न्यूज 18 ने सभी 6 प्रत्याशियों के नाम आप पहले ही बता दिए थे। अब लिस्ट में भी यही नाम है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को टिकट मिला है, तो कोरबा से ज्योत्सना महंत पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो वहीं रायपुर से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है। महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया गया है। जांजगीर चांपा से शिव कुमार डेहरिया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट मिला है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सांसद राहुल गांधी का भी नाम है। राहुल एक बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, जबकि दिग्गज नेता शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। तो छत्तीसगढ़ के 6 संभावित उम्मीदवार जो हमने आपको बताए थे, उन्हीं नामों पर कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाते हुए अपनी पहली लिस्ट में उन नामों का ऐलान कर दिया है। कौन कौन से नाम हैं हमने आपको बताए, वो नाम जिन पर आज की लिस्ट में मोहर लगी है वो आपको बताते हैं। न्यूज 18 ने आपको बताया था कि राजनांदगांव से कांग्रेस पूर्व सीएम भूपेश बघेल को टिकट दे सकती है, और ऐसा ही हुआ। राजनांदगांव से भूपेश बघेल अब ताल ठोकेंगे। जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। कोरबा से ज्योत्सना महंत को रिपीट किया गया है। रायपुर से विकास उपाध्याय, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दुर्ग से राजेंद्र साहू को चुनावी मैदान में टिकट दिया गया है। इसके बाद किसका मुकाबला किससे है, रायपुर सीट में बीजेपी ने उतारा है बृजमोहन अग्रवाल को, कांग्रेस के विकास उपाध्याय उनके सामने हैं। राजनांदगांव से संतोष पांडे और भूपेश बघेल के बीच मुकाबला होगा। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू और रुकुमार चौधरी के बीच में ये मुकाबला होगा। दुर्ग सीट में विजय बघेल वर्सेस राजेंद्र साहू होगा। कोरबा में सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना महंत होगा। कमलेश जांगड़े और शिव डहरिया के बीच मुकाबला होगा जांजगीर चांपा में। तो नाम हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कौन कौन से प्रत्याशी हैं। बड़ी बातें क्या हैं वो भी अब आपको बता देते हैं कि इस लिस्ट में कांग्रेस की लिस्ट की बड़ी बातें क्या है। तो पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। राहुल गांधी, भूपेश बघेल जैसे बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 15 प्रत्याशी सामान्य वर्ग से हैं, 24 प्रत्याशी एससी एसटी कोटे ओबीसी और अल्पसंख्यक से हैं, 12 प्रत्याशी की जो उम्र है वो 50 साल से कम है। 39 नाम, 39 में 12 प्रत्याशी की उम्र 50 साल से कम है। तो ये है कांग्रेस की पहली लिस्ट की बड़ी बातें। तो पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। राहुल गांधी, भूपेश बघेल ये बड़े नाम शामिल हैं, और छत्तीसगढ़ से 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 15 सामान्य वर्ग के प्रत्याशी हैं, 24 प्रत्याशी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी कोटे से हैं। इसके अलावा 12 प्रत्याशियों की उम्र 50 साल से कम है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री हैं और जांजगीर चांपा से मैदान में उतर रहे हैं। सबसे पहले आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि जांजगीर चांपा से आप तैयारी कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हालांकि आप कह रहे थे कि पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी ये, लेकिन अब अल्टीमेटली टिकट मिल गई है, तो कैसी लड़ाई है आपको लगता है? देखिए, लड़ाई अच्छी रहेगी, और इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का माहौल है छत्तीसगढ़ में। वैसे भी छत्तीसगढ़ हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जांजगीर जिला जो है हमारे किसानों का जिला है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति
के भाइयों का जिला है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिलेगी। से पहले आपको दिखाया था कि आप सूची में जो है वो कौन कौन से संभावित नाम हो सकते हैं, और अभी जो पहली सूची जारी हुई है पूरी की पूरी पूरे नामों पर जो है मुहर लगी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शिव डहरिया का ऐसा दावा है कि सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की, अब देखना ये है कि बाकी की जो सीटें हैं उनको लेकर कब तक के नाम सामने आते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर की कीमत कम कर महिलाओं को तोहफा दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। इससे पहले रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की थी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब एमपी और छत्तीसगढ़ में गैस की कीमत 100 रुपए कम हो गई है। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस की कीमत अब 808 रुपये हो गई है, पहले कीमत 909 रुपये थी। उधर छत्तीसगढ़ में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 874 रुपये हो गई है, इससे पहले यहां सिलेंडर के लिए कीमत 974 रुपये आपको चुकानी पड़ती थी। तो वहीं पीएम मोदी की इस पहल का एमपी की महिलाओं ने स्वागत किया है। महिलाओं ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम कम होने से उनके किचन का बजट जो है वो भी हल्का होगा। साथ ही कहा है कि पीएम ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाए हैं सराहनीय है। रूल चला है ना, तो हमेशा ये चलाना चाहिए उनको। और जो सब्सिडी पहले दे रहे थे फिर रोक दिए थे फिर अब दे रहे हैं, तो ये सब्सिडी हमेशा देना चाहिए। जो सिलेंडर हम 450 में भराते थे अब 900 में 800 में 1100 तक का भरवाए हैं, तो जब 100 रुपए कम कर दिए तो इसको हमेशा मतलब ऐसा करके चलाएं ताकि उनकी सरकार ऐसे आगे हमेशा चलती रहे। बहुत ही फायदा है, मोदी के किए हुए हर काम पे हमें फायदा है। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये हुआ है तो बहुत फायदा ही है ना हमें। मोदी जी जो कर रहे हैं भारत के लिए, देश के लिए बहुत गर्व की बात है। किचन का बजट भी थोड़ा सा कम हो गया? हाँ, कम हो गया है गैस सिलेंडर का किया हमने तो हमारे लिए। कम से कम पहल हो रही है, इस चीज की बहुत खुशी है, लेकिन हम इससे को बहुत कुछ ज्यादा चाहते हैं कि हमारी सभी महिलाओं को इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। अभी तक तो अनाउंसमेंट तो हर जगह हो जाती है, लेकिन अब उसका फायदा कितने लेवल तक पहुँचता है वो बहुत जरूरी है। देखते हैं, पहल हुई है तो हो सकता है एक बड़े लेवल पे भी जाए। अब अच्छा फायदा होगा, मजदूरी तो रोज नहीं लगता है, कभी लगता कभी नहीं लगता है। अपन लोग तो बीमारियां मने खुद ही तंग हैं दवा दारू से, यही अपन अच्छा है जो कम हो जाता, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, जो लिखा रहता हो तो होता ही है। जब कर दिए गैस कम तो ठीक है, 1200 रुपये टंकी थी, फिर 910 हुआ, फिर 100 घट गए, 800 हो गए, अच्छी बात है, आगे सरकार कुछ भी कर सकती है। सिलेंडर के दाम कम होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी स्टंट बताया तो बीजेपी का कहना है कि आधी आबादी को सौगात है। पहले महिला दिवस पर 100 रुपए कम करके भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि कर पहले भी सकते थे, लेकिन मोदी जी का मन जब हुआ तब किया। महिला दिवस के अवसर पर 100 रुपए एलपीजी सिलेंडर पर कम करके उन्होंने एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। कांग्रेस की अगर पोल खुलेगी तो कांग्रेस अपना मुंह छिपाते भागेगी, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार महिला वर्ग को धोखा देने और ठगने का काम किया है। भारत मंडपम में देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। युवाओं से चर्चा करते हुए पीएम मोदी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पीएम मोदी की बातों पर जमकर ठहाके भी लगे। दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार दिए गए। कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरण स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग समेत अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम और अपनी पहचान बनाने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया। इस दौरान एक नाम चर्चाओं में रहा और वो है रणवीर अल्लाहबादिया। दरअसल जब रणवीर ने पीएम से पॉडकास्ट के लिए पूछा तो भारत मंडपम में ठहाके लग गए। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह, चलिए मूड तो सारे के बहुत होते हैं भाई। ठहाकों के बीच पीएम मोदी ने कहा, पॉडकास्ट के लिए मुझे 50 साल छोटा होना पड़ेगा। बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। अवार्ड के दौरान एक बेटी ने पीएम मोदी के पैर छुए, जिस पर पीएम मोदी असहज हो गए।
पता नहीं देश में एक परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और उसमें भी जब कोई बेटी, गायिका मैथिली ठाकुर भी अवार्ड के दौरान काफी चर्चाओं में रही। इसकी वजह रही पीएम के साथ सेल्फी, के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत-बहुत शुक्रिया। आधुनिक जगत की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी को भी भारत मंडपम में सम्मानित किया गया। जया किशोरी ने कहा कि युवाओं को अध्यात्म की बहुत जरूरत है, लेकिन पीएम ने कहा कि अध्यात्म का मतलब लोग समझते हैं कि झोला लेकर चले जाना। सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है, और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेकर चले जाना। हाँ जी। अवार्ड समारोह के दौरान पीएम मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान युवाओं से चर्चा के वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने 24 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आना भी बाकी है। एक बात दोनों ही पार्टियों में कॉमन नजर आ रही है, दोनों ही पार्टियां हारे हुए उम्मीदवारों पर फिर से दांव लगा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने एमपी में 24 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की चर्चा जरूर हो रही है। ऐसे में दोनों दलों में कुछ उम्मीदवार और दावेदार ऐसे हैं जिनको चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा, गणेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और शिव मंगल सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। इनको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। गुना से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का समीकरण बिल्कुल अलग अलग होता है। किन्हीं कारणों से यदि वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अच्छे नेतृत्व करता है, अच्छा अनुभव रखते हैं, पार्टी ने यदि उनको लोकसभा भेजने का निश्चय किया है तो कहीं ना कहीं जनता कार्यकर्ताओं की इच्छा के ऊपर ही किया है। किन्हीं कारणों से नहीं जीते, लोकसभा में वो जीतेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश का नेतृत्व वो संसद में करेंगे। अगर कांग्रेस की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा जा सकता है। ये वो प्रत्याशी हैं जिनको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इनकी दावेदारी को लेकर कांग्रेस के भी अपने तर्क हैं। पहले उनको विधानसभा लड़वाने के लिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिलवाया, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, भरत सिंह कुशवाहा, और उसके बाद आज आप 2 महीने बाद दोबारा उनको टिकट दे रहे हैं। तो मुझे बताएं, अगर आपने उनको टिकट देना था लोकसभा का तो आपने इस्तीफा क्यों दिलवाया? कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये भी सच है कि नेता का कद क्षेत्र और जातिगत समीकरणों का पार्टी ख्याल रखती है, और यही वजह है कि प्रत्याशियों को हार के बाद भी मौका मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गठबंधन के दम पर बीजेपी से मुकाबला करने की कोशिश अब कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि गठबंधन के कई साथी एनडीए में शामिल हो चुके हैं तो कुछ शामिल होने जा रहे हैं, जिससे उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस का मोदी विरोधी एजेंडा फेल साबित नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी में आंध्र प्रदेश की टीडीपी, ओडिशा की बीजेडी और पंजाब का शिरोमणि अकाली दल घर वापसी की तैयारी में है, यानी एक तरफ मोदी का परिवार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ रही है। इसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। संसद से लेकर जनसभाओं तक प्रधानमंत्री का ये उद्घोष ही बीजेपी की बड़ी चुनौती है। जीत से आगे, बहुत आगे वाला ये जोश है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हर बार कर रहे हैं, और ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे पिछले चुनाव नतीजों का रिकॉर्ड है, जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विकास का एजेंडा है, और सबसे बढ़कर इसे हासिल करने की जी तोड़ कोशिश है। बीजेपी अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न सिर्फ अपने एक एक उम्मीदवार को तय करने के लिए रात रात भर मंथन कर रही है, बल्कि एक एक राज्य में अपने लिए नए साथी तैयार कर रही है।
पुराने साथियों को सुन रही है और समझौतों पर सहमति बना रही है। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए को लेकर हलचल तेज है। पुराने साथी चंद्रबाबू नायडू से बात बनाने की कोशिश चल रही है। टीडीपी अध्यक्ष ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। साथ ही जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी दोनों नेताओं से मिले। पहले दौर की वार्ता में बात आगे बढ़ी और बीजेपी को उम्मीद है कि अगली बात में आंध्र में बात बन जाएगी। आंध्र प्रदेश में सीटों पर ये मंथन विधानसभा चुनावों के लिए भी है जो लोकसभा के साथ होने हैं। अपने कुनबे को बढ़ाने की एनडीए की ये कोशिश दूसरे राज्यों में भी हो रही है। पंजाब में पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल से नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ बात करीब करीब आखिरी दौर में है, जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने हैं। 1984 के आम चुनावों का नतीजा इकलौता है जिसमें किसी दल ने 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। वो पहली बार था और अब तक आखिरी भी है। बीजेपी 400 पार के नारे की अहमियत और असलियत दोनों से वाकिफ है। यही वजह है कि एनडीए का परिवार बढ़ाने की कोशिशों में पुराने साथियों को साथ लाया जा रहा है और रूठे साथियों को मनाया जा रहा है। इस उम्मीद के साथ कि बढ़ेगा एनडीए परिवार तो पूरा होगा मिशन 400 पार। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। पहले उसने अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन को 3-3 करोड़ का नोटिस भेजा और अब गुलाम हैदर के वकील ने नई मांग रखी है। क्या है वो मांग, इस रिपोर्ट में देखिए। सीमा हैदर सोशल मीडिया में छाई रहती हैं। हर अहम मौके पर वो अपने वीडियो शेयर करना नहीं भूलती। सीमा भारत के लिए अपना सम्मान और प्यार जाहिर करते हुए दिखाई देती है, लेकिन पाकिस्तान में उनका पति गुलाम हैदर चैन से नहीं बैठा है। वो लगातार सीमा और सचिन की मुश्किल बढ़ा रहा है। पहले उसने भारत में अपने वकील के जरिए सीमा और सचिन मीणा को 3-3 करोड़ का नोटिस भेजा, अब गुलाम हैदर ने नया दांव खेल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर चल रही है कि सीमा हैदर सचिन के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह 13 मार्च को मनाने वाले हैं। लेकिन अब गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और डीएम को एक पत्र लिखा है। इसमें सीमा हैदर के मैरिज एनिवर्सरी मनाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। हैदर अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही है। सीमा के वकील एपी सिंह के रबूपुरा जाने पर रोक और मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने की भी मांग की गई है। हमने लिखा है कि सीमा गुलाम हैदर पत्नी गुलाम हैदर द्वारा गलत तरीके अपनाकर प्रचार और प्रसार द्वारा भ्रम देश में भ्रम फैलाने, झूठी भीड़ इकट्ठा करने व कोई भी प्रोग्राम बगैर केंद्रीय सरकार की व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार के आयोजन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा प्रचार व प्रसार पर सीमा हैदर द्वारा घोषित तिथि दिनांक 13/3/2024 के किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर रोक लगाए जाने बारे शिकायत पत्र। दूसरा जो हमने मांग की है, इसके जरिए से हमने कहा कि श्रीमान एपी सिंह जी को पाकिस्तानी नागरिक व अवैध घुसपैठी सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर से किसी भी प्रकार की उसके रिहायशी पते पर जहां पर वो रह रही है पूर्ण रूप से उसकी मुलाकात पर पाबंदी लगाई जाए। सीमा हैदर का कहना है कि सीमा के सभी कागजातों में उनका ही नाम है, उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है, ऐसे में सचिन के साथ शादी गैर कानूनी है। अपने वकील के हवाले से गुलाम हैदर ने भी ये आरोप लगाया है कि सीमा लोगों को भ्रमित कर रही है। तारीख के समय सीमा के कब्जे से 2 जो पासपोर्ट जारी बरामद हुए हैं उन पर भी उसके पति गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। जो वीजा नेपाल का बरामद हुआ है उसके अंदर भी उसके पति का नाम लिखा हुआ है और जो उसके 4 बच्चे रघुपुरा पुलिस द्वारा उससे गिरफ्तारी के वक्त रिकवरी किए गए हैं उनके 4 पासपोर्ट में गुलाम हैदर का फादर के रूप में और सीमा के पति के रूप में और सीमा का माता के रूप में उनके अंदर नाम लिखा हुआ है। गुलाम हैदर ने पिछले दिनों सीमा और सचिन को 3-3 करोड़ तो वहीं उनके वकील एपी सिंह को 5 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। जाहिर है कि सीमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
क्योंकि उसका पाकिस्तानी पति कानूनी जंग लड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सीमा को अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान लौटना होगा या सीमा भारत में ही रहेंगी। अब इस केस में कई ट्विस्ट आने बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए है।